ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सर्कल है, और आपने देखा कि पार्टिकल अगर यहाँ पर होता है टी इक्वल टू जीरो पर, ठीक है ना, मतलब मीन पोजीशन पर है पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर, तो टी टाइम में कितना घूमेगा, थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, और आपका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी आ जाएगा। बट ये जरूरी नहीं है बेटा कि टी इक्वल टू जीरो पर हमेशा मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट हो, ठीक है। पार्टिकल तो कपिल सिंगल अभी कैसे आ जाता है, मुझे नहीं समझ आता ये कब कितनी बार आता है, कैसे आता है। हाँ, ये आपका टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये आपकी थीटा है, कितना है आपका थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी है, टी टाइम में इतना एंगल घूमेगा, ये आपकी मीन पोजीशन है। तो ये कब स्टार्ट हुई है, जब टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल, ये लाइन है ना एक्स इक्वल टू जीरो पर है, बट ये जरूरी नहीं है बीच में कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए बीच में कहीं पे था, तब आपने टी इक्वल टू जीरो क्लॉक शुरू करी है अपनी, और उसके बाद फिर टी टाइम पर पोजिशन लिखनी है आपको। तो टी इक्वल टू जीरो पर हो सकता है ऑलरेडी कुछ एंगल फाई नॉट घुमा हुआ हो बेटा, समझ रहे हैं आप। फाई नॉट कब बोलूंगा, जब यहाँ पर कुछ बीच में है, ये आपका एक्स इक्वल टू जीरो है, ये एक्स इक्वल टू प्लस ए है, ये एक्स इक्वल टू माइनस है। ये तो जरूरी नहीं है कि हर बार टी इक्वल टू जीरो यहीं पे हो। पार्टिकल मोशन कर रहा था, आपने टी इक्वल टू जीरो यहाँ से शुरू किया जब कुछ डिस्प्लेस था वो, ठीक है। उसको हम यहाँ कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए फाई नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये मान लो ए बाई टू पे था, तो आपका ये 30 डिग्री हो जाएगा फाई नॉट, ठीक है ना। ए बाई टू पर हो और इस साइड जा रहा हो, ये भी ध्यान रखेंगे इस फाई नॉट को लोकेट करते टाइम, बहुत जरूरी। ये आपका ए बाई टू पर तो है, बट किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अगर इधर जा रहा होगा तो फिर यहाँ पर होगा टी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे बेटा इसमें, कि टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहाँ पर है। मान लीजिए यहाँ पर है फाई नॉट, ये टी इक्वल टू जीरो है, तो टी टाइम में कितना घूमेगा, टी टाइम में कितना घूमेगा, ओमेगा इंटू टी तो घूमेगा टी टाइम, ठीक है ना। टी टाइम में कितना घूमेगा, ओमेगा इंटू टी घूमेगा कि नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं घूमेगा टी टाइम में। तो वाई कितना हो जाएगा, अब देख लो यहाँ से वाई कितना लिखोगे आप मीन पोजीशन से, यहाँ से जो टोटल डिस्टेंस लिखने वाले हो आप वाई, ये आपका रेडियस कैपिटल ए होता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखोगे कितना लिखोगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिखोगे, फिर ये हो जाएगी इक्वेशन। तो ये फाई नॉट की इंपॉर्टेंस थी, अब समझ में आ रहा है आपको फेस का मतलब, इसलिए वो साइन वाला पार्ट इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से शुरू किया उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है। अगर आप टी यहीं से टी इक्वल टू जीरो ले रहे हो और पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है ना, टी इक्वल टू जीरो आपने यहीं से ले लिया, पार्टिकल इधर जा रहा है, तो ये साइन ओमेगा टी इक्वेशन है। और कहीं से भी अगर आपने स्टार्ट किया तो फाई नॉट आपको लेना पड़ेगा बेटा, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। ये फाई नॉट लिए बिना आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं एक आध एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ इक्वेशंस का, ठीक है। एक बार देखिए कैसे आप इक्वेशन बनाते हैं सर्कल की। जैसे आपने एक्स इक्वल टू जीरो ये रखा, ये एक्स इक्वल टू प्लस ए है, एक्स आपके लास्ट मैट्रिक्स मैच दे रखा है आपके पैकेज में, उसमें बहुत सारे ऐसे लाइंस हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से शुरू करें, होना चाहिए मेरे हिसाब से पैकेज में ही है आपके, जहाँ तक मुझे ध्यान, ठीक है। तो आप मान लो पार्टिकल एक्स इक्वल टू ए बाई टू पर ये था, आपका ये टी इक्वल टू जीरो सेट कर दिया, ये टी इक्वल टू जीरो है, मीन पोजिशन है, प्लस ए या कैपिटल ए एम्पलीट्यूड है, पार्टिकल स्टार्ट या टी इक्वल टू जीरो इज सेट एट द पोजिशन व्हेन द पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल टू ए बाई टू एंड मूविंग टूवर्ड द मीन पोजिशन, ऐसा वर्ड्स में लिख के देगा आपको, उसको मैं ऐसे दिखा दिया आपको, बट यही बता रहा हूँ कि टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल प्लस ए बाई टू पे था एंड इट इज मूविंग टूवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजिशन, टू राइट डाउन इट्स पोजिशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये प्रॉब्लम है पूरी, ठीक है। पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो वॉज एट पोजिशन एक्स इक्वल टू ए बाई टू एंड वॉज मूविंग टूवर्ड्स इट मीन पोजिशन एट टी इक्वल टू जीरो, देन फाइंड आउट वेरिएशन ऑफ पोजिशन ऑफ द पार्टिकल विद टाइम, ये करना है आपको। तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, जब भी आपके पास आएगी ना बेटा इक्वेशन बनाने को, आप इस सर्कुलर मोशन से 2 मिनट में इक्वेशन लिख देंगे। युग अग्रवाल तो 2:30 बजे आना था, अभी क्यों है, ठीक है। आप सर्कुलर मोशन से उसकी इक्वेशन लिख देंगे, वो कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आपका ये इस तरीके का है, ठीक है, ये आपका सर्कल है, तो
तो आपकी टी इक्वल टू जीरो बताइए कहाँ होगी धर्मांश, आप लोकेट कर पा रहे हैं बेटा ये कहाँ पे बना हुआ है? फाइव नॉट मेरा टी इक्वल टू जीरो कहाँ लिखूँ मैं बताइए एक बार जल्दी से। यहाँ पे लिखूँ, इधर लिखूँ? बेटा अभी मैंने बोला यार देख धर्मांश में डायरेक्शन एरो की किधर बन रही, इधर जा रहा है पार्टिकल बेटा, यहाँ पर तो पार्टिकल ऊपर जाता है ना प्लस ए की तरफ जाता होता है, यहाँ तो बताओ तो फिर गलती क्यों कर रहे हो, किधर लू इधर लू या यहाँ लू इधर? हाँ आप क्लियर है आपको, क्योंकि जब ये पार्टिकल इधर जा रहा है तो ये नीचे उतर रहा है ना बेटा प्रोजेक्शन, बोलिए धर्मांश। हाँ तो इसलिए ये टी इक्वल टू जीरो वाली हो जाएगी, तो बस ये आप हमेशा बेटा एक ही तरफ रखेंगे, उधर से एंगल लेना है आपको, ये ध्यान रखें, इधर उधर से एंगल के चक्कर में पड़ेंगे, हम वहां से एंगल लेंगे इसको इस डायरेक्शन कहेंगे, इसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल दो, इससे एंगल लेंगे उसको फाई नॉट लिखेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगा के जिस फॉर्म में आंसर लिखा हो पाई बाई टू प्लस थीटा वो सब मैनेज कर सकते हैं, बट हम इसमें कन्फ्यूजन में नहीं पड़ेंगे बिल्कुल, हमसे यहाँ भी आएगा तो हम पूरा ये एंगल जोड़ देंगे उसको, ठीक है इस फाई नॉट की जगह। तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, क्या हो जाएगी वाई इक्वल टू ए साइन का क्या लिखो, फाई नॉट समझ में आया आपको कैसे आता है फाई नॉट बेटा? ये एंगल है फाई नॉट, टी इक्वल टू जीरो पर कहाँ पर है, तो कितना होगा ये धर्मांश बताइए जल्दी से, आपने ए बाई टू बोला तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 90 प्लस 60 150 डिग्री हो गया, क्लियर है 150 डिग्री कितना होता है, 5 5/6 होता है, बताइए 90 प्लस हो गया ना, तो आपका ए वाई कितना आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 5, ऐसे ये इक्वेशन होगी बेटा, ए साइन ओमेगा टी हमेशा नहीं होती है एसएचएम की इक्वेशन, कब होती है ए साइन ओमेगा टी, तो बहुत स्टैंडर्ड बुक में मिलती है हर जगह सुनते रहते हैं, ए साइन ओमेगा टी एसएचएम की इक्वेशन कब है, हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए बेटा, जब आपका पार्टिकल मीन पोजिशन पर है टी इक्वल टू जीरो पर एंड मूविंग टूवर्ड्स प्लस ए नॉट माइनस ए, माइनस ए की तरफ जाएगा तो भी प्लस पाई आके माइनस ए साइन ओमेगा टी हो जाएगा, समझ में आ रही है बात बिल्कुल, ये आपकी इक्वेशन मान लो इस तरह की इक्वेशन लिखनी होती है आपको, ये रहा ये आपका एक्स इक्वल टू जीरो पार्टिकल इधर जा रहा है, तो इसकी ए साइन ओमेगा टी इक्वेशन थोड़ी नहीं होगी, अब इसमें गलती ना करे कभी भी कोई मेरे से पढ़ा हुआ सुन लो, ये तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए उसके क्या मतलब है, ए साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी इधर आ गया आपका पार्टिकल, इसका मतलब पार्टिकल इधर जा रहा है, तो धर्मान जी एंगल कितना हो गया बताओ, फाइव नॉट कितना ऐड करना पड़ेगा अगर टी इक्वल टू जीरो ये दे रखा है आपको, तो इक्वेशन क्या हो, ए साइन पाई नॉट की वैल्यू देखनी है बस कितना आ रहा है, फाई नॉट पाई ओम पाई आ रहा है, तो ए साइन पाई प्लस ओमेगा टी कितना होता है, माइनस ए साइन ओमेगा टी होगा बेटा, समझ रहे हो ना, नहीं तो देखो आप अगर ए साइन ओमेगा टी ले लोगे तो वेलोसिटी का साइन गलत आ जाएगा ना टी इक्वल टू जीरो पर, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएट करो क्या आता है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी आता है, तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी टी इक्वल टू जीरो पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, बल्कि ये तो नेगेटिव है वेलोसिटी, वो कब आएगी जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी देखते ही समझ में आना चाहिए क्या मतलब है, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई फोर अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो भी मतलब बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, जब ये ओमेगा टी के साथ कुछ एडिशन वेडिशन लिखा होगा तो सीधा सा मतलब है कि टी इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल मीन पोजिशन पर नहीं था, या मीन पोजिशन पर होगा तो प्लस ए की तरफ नहीं आ रहा हो जैसे इसमें हो गया, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर प्लस पाई ऐड हो गया, तो मैं एक दो और एग्जांपल करा रहा हूँ आपके, देखो और गहराई से बात समझ में आ जाएगी, ठीक है जैसे इधर से तो छोड़ो आप ये देखो, ठीक है तो मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, मान लो इस तरह का है यहाँ पर है एक्स इक्वल टू जीरो, ये आपका एक्स इक्वल टू प्लस ए, ये इक्वेशन है एस एच एम की लाइन तो यही है, अब आपको बोला जाए आपको इक्वेशन लिखनी है टी इक्वल टू जीरो, मैं कहाँ ले रहा हूँ, मैं टी इक्वल टू जीरो यहाँ ले रहा हूँ इस तरह से, और ए बाई रूट टू डिस्टेंस पर ले लेते हैं, चलो ये टी इक्वल टू जीरो है, तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी, इक्वेशन लिखनी है वेरिएशन एक्स विद टाइम लिखना है, ए साइन ओमेगा टी नहीं होगा बेटा, क्लियर है पिक्चर दिमाग में बिल्कुल, कोई अब भी गलत फहमी में तो नहीं है कि एस एच एम की इक्वेशन मतलब ए साइन ओमेगा टी, ऐसा नहीं है, ठीक है तो आप क्या लिखेंगे बताइए फटाफट, ध्रुव आप बताना चाहेंगे या क्या करूं मैं इसमें, इस क्वेश्चन में मैं इक्वेशन बनाने में कैसे कामयाब हो सकता हूँ बताइए जल्दी से, हाँ
हाँ तो आपने किधर लिया, यहाँ लिया ये बिल्कुल। हाँ वेरी गुड बेटा एकदम। तो आपका एंगल कितना बनेगा, पाई बाई 4 बनेगा, ठीक है ना। तो आप बिल, हाँ इसको माइनस करके भी लिख, हाँ बोलो, है ना, माइनस करके भी। हाँ बोलो बेटा बोलो, क्या कह रहे हो नेट। हाँ आपने पूरी एंगल बता दिया ना। हाँ यही मैं कह रहा हूँ, इसको कई बार माइनस करके भी लिख सकते हैं, बट कन्वेंशन एक रखेंगे बेटा। वो हमसे नहीं पूछ रहा कि हमने कैसे निकाला, ठीक है ना, ना कोई हमसे प्रूफ करवा रहा है जेई में, बट आपकी मर्जी है। बट कन्वेंशन आप रखिए एक, में जिससे आप गलती ना करें, हमेशा ऐसे लेके रखिए, और 99% देखना ऐसे ही आंसर मैच कर जाता है, क्योंकि वो सीधा सा माइनस पाई बाई 4 नहीं देता, और दे दिया तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री इतनी आती है। देखो आप कैसे लिखोगे, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, कितना आ गया है, 3π/2 प्लस π/4 आ गया, बताओ ये क्या आ जाएगा, 3π/2 प्लस π/4। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक। अब आगे आपका जैसा आंसर हो वैसा मैच कराइए आप। हो सकता है साइन की टर्म में दे रखा हो, कॉस की टर्म में दे रखा हो, तो साइन 3π/2 प्लस थीटा सबको आता है, ऐसा मैं नहीं समझता किसी को ना आता हो, ठीक है। तो साइन 3π/2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा बेटा करो, आ गई आ गई आ गया, ठीक है। तो ओमेगा टी प्लस 3π/2 प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से आप हमेशा इक्वेशन लिख देंगे एसएचएम की, आपको बस बताना है कि टी इक्वल टू 0 कहाँ सेट किया, फिर आप डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सर्कल पे सारी लोकेशंस ड्रॉ करनी आती है, ठीक है ना, आपको फाई नॉट लोकेट करना है।